जी दोस्तों, अपना आज की वीडियो में आपको हमने जो बताना है ना, सबसे बड़ी बात जो है ना कि कबूतरों के अगर चेतर में जो जिन्होंने बच्चों का कप उड़ाना है, कलियां कैसे रोकें, कलियां गिरा रहे हैं वो कैसे रोकने हैं, इस वीडियो में आपको वो बताएंगे, ताकि आपको जो ना जो दोस्त बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं उनका हम आंसर दे दें और उनका कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा। यार कलियां बच्चे नहीं गिराएंगे इंशाल्लाह ताला, एक आपको टिप बताते हैं, बच्चे कलियां नहीं गिराएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिम सईद किचन। सारे दोस्त भाई कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। तो दोस्तों माशाल्लाह पागल कबूतर जो है उसका जो है ना माशाल्लाह ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होने लगा है। पहले तो भाई जान इसके अभी पर है ना एक एक पर कटा हुआ है, एक एक पर पे कटा हुआ है, तो इसको दो चार दिन अब बैठाऊँगा मैं जाल के ऊपर, ठीक है। ओए हो डर गए कबूतर, डर गए, इनको क्या हो गया दोस्तों। एक तो आजकल बसंत आने वाली है, गुड्डियाँ छुड्डियाँ उड़ रही होती हैं, पतंगे शतंगे, किसी के आगे गुड्डा बजा है, बच्चे देखें अपना नए बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, उड़ गए हैं वो अपना, एक तो बच्चे आज ही छोड़े थे बाहर माशाल्लाह, वो भी उड़ गया बच्चा, बिल्कुल नया 0 मीटर बच्चा ये वाला, ये बिल्कुल नया 0 मीटर बच्चा, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं माशाल्लाह, बिल्कुल 0 मीटर बच्चा ये वाला बच्चा ना, बिल्कुल नया बच्चा है, लगा नहीं हुआ, ये देखें ना उड़ गए हैं बच्चे, ये देखें। खैर इसी तरह ही भाई जान इन्होंने लगना है पक्के पुके, इसी तरह ही इन्होंने होना है, ये देखें ना अभी डर के उड़ा है, किधर गया नया बच्चा, किधर है नया बच्चा, किधर गया वो, बैठ गया भाई, ये जाल पे बैठ गया। अच्छा दोस्तों ठीक है, ये तो कहानी हो गई, अब आपको ये पागल कबूतर है ना, पागल कबूतर का जो है ना करतब दिखाना है, ये क्या कर रहा है जी दोस्तों अपना। ये अब कबूतर जो है ना इसको मैं सोच रहा हूँ कि दो चार दिन बाहर बैठाता हूँ, छोड़ते हैं पहले, नीचे छोड़ते हैं, देखते हैं कि अपने आप ऊपर जाता है कि नहीं जाता। वैसे एक एक पर है इतने ऊपर, इसके ऊपर तक इसके साथ जाया नहीं जाना, पड़ों के साथ फिर ऊपर इसको बैठाएंगे, देखते हैं क्या सूरत आ रही है। देखें जी आप इसको छोड़ने लगा मैं, चलो जी दोस्तों एक एक पर पे इसको, उसमें ताकत देखें, एक एक पर पे उधर गिर गया जाके, एक एक पर पे दोस्तों ये देखें पागल, एक एक पर पे है, एक एक पर पे वो सीधा अपने खुड्डे की तरफ गया है। इसको मैं सोच रहा हूँ जाल के ऊपर बैठाऊँ, ऊपर बैठाऊँगा तो काम चलेगा, ठीक है, नीचे बैठा तो फ़ायदा कोई नहीं है, ऊपर पकड़ के ना इसको ऊपर फेंकते हैं जाल के ऊपर, ताकि ये कोई इसको ना पक्का पुक्का करें, इसको अपनी छत छूत देखे, दो चार दिन ये छत वगैरह देख लेगा अपनी, उसके बाद जो है ना इसको मादी के साथ मिल जाएगा काम, यस होगा। ये देखें जी अब इसके ऊपर जाल पर मैं भेजता हूँ, तो ये जाल पर भेज दिया, ये तो पागल साहब ऊपर जाल पे चले गए हैं, वो देखें जी अब जाल पे चला गया जी, वो काली पट्टी भी उड़ी हुई उस दिन वाली, उसका भी आपको शो करा दूँ दोस्तों। एक आपको चेतर के बारे से आपको एक टिप देनी है, टिप नहीं नुस्खा ही है, मुद्दा नुस्खा है, तो इंशाल्लाह काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं कि उस्ताद जी अपना चेतर के वाले से बताएँ, अगर बच्चों के पर रोकने हों तो उसका क्या तरीक़ेकार है, वो आपको बताते हैं जी। साथ ये दो चार मिनट बैठ ले ऊपर कबूतर पागल अपना, फिर जो है ना इसका भी आपको करतब दिखाते हैं जी। अच्छा दोस्तों आपसे वीडियो के स्टार्ट में हमने बात की थी कि बच्चा कली कैसे रोके, आजकल चेतर के कप उड़ रहे हैं, मतलब उनके लिए बच्चे लोगों ने छोड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, बच्चे कली ना गिराएं, अक्सर दोस्तों का ये सवाल आता है, तो दोस्तों उसके लिए जो हम करते हैं, हम अपना आपको तरीक़ेकार बताएँगे, वो तरीका हो सकता है कि दोस्तों को पहले ही पता हो, अगर जिन दोस्त नए शौकीन नज़र आते हैं जिनको नहीं पता, तो उनके लिए ये आज वीडियो है, वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब बच्चे परवाज़ों में पड़ गए हैं ना, तो उनको ज़्यादा मोटा दाना नहीं आपने डालना, मोटा दाना डालने से भी बच्चा क्रीज में पड़ता है, और नागे ज़्यादा नहीं देने, एक चीज़। उसके बाद आपने क्या करना है, एक से दो दफ़ा ना आपने बस पक्का पक्का नहीं करना, एक से दो दफ़ा बस कर लें हफ्ते में, जो फटकड़ी लेके ना, फटकड़ी लेके वो पानी में घोल के, मतलब फटकड़ी का थोड़ा सा पाउडर कर लें, उसको पानी में घोल के ना बच्चों को रख दें, वो नहाएं उसके साथ, फटकड़ी वाले पानी से बच्चों को नहला दें एक दफ़ा, हफ्ते में एक दिन नहला दिया, तीन चार दिन छोड़ के उसको आप फिर एक दफ़ा नहला दें, इंशाल्लाह ताला बच्चे जिस्म अपना साफ़ कर जाएंगे, पड़ों की कलियाँ नहीं गिराएंगे, पड़ों की कलियाँ, ठीक है, पड़ों की कलियाँ जब तब भी गिराते हैं जब जो है ना मोटा दाना खाएँ, और उसके अलावा जो है ना
आप उनको रोक के रखें, अगर रोकेंगे तो बच्चे कलियां गिराएंगे। तो आप फटकरी वाले पानी से नहला दें, इंशाल्लाह ताला बच्चे कलियां नहीं गिराएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको पागल कबूतर भी दिखाया है, उसके अलावा आपको ये टिप भी बता दी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अगर नहीं पसंद आई तो भाईजान फिर भी लाइक कर दें यार। तो दोबारा हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा दोस्तों, ये वाला बच्चा ना कल सरफराज भाई की तरफ से ना गिफ्ट आया है, उनको किसी की तरफ से आया था, उनसे मुझे आ गए, उन्होंने कहा जी आसम भाई इसको बच्चे को ना आपने उड़ाना है। तो उड़ा के जो है ना फिर इसका मुझे रिज़ल्ट बताना है। तो मैं कहा चलो उड़ाते हैं जी इसको, उड़ा के फिर रिज़ल्ट भी बताते हैं जी, आपको इसका शौक भी कराते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले ये बच्चे का कलर देख लें जी, माशाल्लाह ये देखें, माशाल्लाह बच्चा बड़ा खूबसूरत बच्चा है, लाल आँखों वाला बच्चा है। आपको इसकी आँखों का शौक कराते हैं क्लोज करके, इसकी आँखें देखें जी, ये देखें माशाल्लाह जी आपके सामने है जी, इसकी आँखें कितनी खूबसूरत इसकी आँखें हैं, ये देखें, ये देखें जी इसकी आँखें ऐसे आप देखें, ये इसकी आँखें हैं माशाल्लाह, लाल आँख वाला ये बच्चा है, ये देखें माशाल्लाह बड़ा तेज़ बच्चा है। ये बच्चे के पार है, ये चेक करें, ये बगल है, ये बीच में से कटा हुआ है बच्चा, ये दूसरी साइड के से पार है, ये चेक करें, और माशाल्लाह ये इसकी दुम है, पंजे भी आपको दिखा देते हैं जी, ये इसके पंजे हैं। अभी बच्चा छोटा सा ही है, अभी तो बच्चे ने एक पर भी नहीं कराया, तो ये अब आपको पता है ना वो पागल कबूतर भी हमने ऊपर बैठा दिया है, ऊपर से जाके उसका शौक कराते हैं, ज़रा उसको दिखाते भी आपको छोटी छोटी लगा के, एक एक पार पे उसने क्या उड़ना है, लेकिन छेड़ते हैं उसको ज़रा। देखो दोस्तों ये देखें जी माशाल्लाह, ये पागल अपना ये ऊपर बैठा हुआ है साइको, ये देखें जी ये ऊपर बैठ के इंजॉय कर रहा है, मौसम बड़ा अच्छा है तो ये माशाल्लाह इंजॉय कर रहा है जी। ये अपना गुल्लू बट जो है नीचे बैठा हुआ है, ये गुल्लू बट साहब, वो गुल्लू बट ऊपर चला गया जी अपना। अच्छा जी अब इसका थोड़ा सा इसको छेड़ते हैं जी, देखते हैं क्या करता है जी, कटे ने क्या करना है वो देखें जी। खैर इसको बैठा रहने देते हैं छत के ऊपर जी, इसको तंग नहीं करते, ठीक है, हमें तंग करने का फ़ायदा कोई नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना, फिर हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ जी। देखें ना दो बच्चे उड़ गए हैं।